जी, हमारे नीलकमल सिंह जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस चैनल से हमारे चैनल को देखा गया है, तो बहुत बहुत खुशी हुई कि हमारे नीलकमल सिंह तक आप लोगों की वजह से हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है। नमस्कार प्रणाम, हम कुशवाहा के गिराज और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे फिर अपने ट्रेंडिंग स्टार के बारे में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को सभी लोगों का डिमांड है कि नीलकमल सिंह के आवाज़ में कुशवाहा सॉन्ग आए। तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि नीलकमल सिंह के आवाज़ में कुशवाहा सॉन्ग आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। तो इससे पहले आप सभी को कहना चाहते हैं कि हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और कोई कुशवाहा सॉन्ग आपका आता है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भेज सकते हैं, आपसे वहाँ से बात होगा और उसके पर भी वीडियो आएगा, आप लोग गाइए और हम हैं आप सभी के सपोर्ट में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको कहना चाहते हैं कि इस वीडियो पे आप सभी लोग कम से कम 24 घंटे के अंदर 350-400 कमेंट कर दीजिएगा, और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे 400 लाइक आप सभी लोग कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अब बात करते हैं नीलकमल सिंह के बारे में कि उनका कुशवाहा सॉन्ग आएगा या नहीं आएगा। पहले और नहीं आने का कारण क्या है वो भी आप सभी को बताएंगे, और जितने भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं सभी का डिमांड है कि नीलकमल सिंह को कुशवाहा सॉन्ग गाने को कहा जाए, कुशवाहा सॉन्ग गवाया जाए। तो हमसे ज़्यादा बार बात नहीं हुआ है नीलकमल सिंह से, लेकिन एक दो बार ज़रूर बात किए हैं किसी और के कॉल से। तो आप सभी से भाई से कहना चाहते हैं कि पहली बात जो आप लोग के दिमाग में चलता है उसके बारे में बात करेंगे, और जो अदर लोग के हम लोग का दिमाग में चलता है जो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को कह दें कि आप सभी के दिमाग में और सभी के मन में चलता है कि जब सब लोग कुशवाहा सॉन्ग गा सकते हैं, खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के मसीहा, वो अपने कास्ट पे सॉन्ग गा सकते हैं, प्रमोद प्रेमी यादव जिनका खेसारी लाल यादव प्रमोद प्रेमी, इन सभी का सॉन्ग सभी लोग सुनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक कास्ट सुन के सॉन्ग को बजाया जा सकता है, सभी लोग सुनते हैं फिर भी उनका सॉन्ग आता है, जाति पे सॉन्ग आता है, तो नीलकमल सिंह क्यों नहीं गाते हैं? तो इसका दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये कि नीलकमल सिंह अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, तो उस लेवल पे पहुँचने के बाद कुशवाहा सॉन्ग गा सकते हैं। उस लेवल पे जब पहुंचेंगे तब कुशवाहा सॉन्ग गा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको जब कुशवाहा सॉन्ग नहीं गा रहे हैं उससे किसी को कोई एलर्जी नहीं है, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई भी सॉन्ग ऐसा हो, हम खुद मतलब बोले कोई ऐसा सॉन्ग हो जिस पे यह नहीं है कि कुशवाहा नाम से ही पूरा सॉन्ग हो, उसमें आप बीच में कहीं भी अलग भी हैं, अंतरा मुखरा कहीं भी कहीं पे भी आप कुशवाहा नाम के अगर गाना में आप थोड़ा सा डाल देते हैं तो हमारे जो आपका समाज है और हमारे YouTube चैनल पे जितने लोग हैं सभी लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका आपसे नीलकमल सिंह बहुत उम्मीद है, हाँ पूरे समाज को और सभी लोग को, क्योंकि आप ही है एक जो कि अपने समाज के लिए आप अपने समाज में आप इतना आगे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, और ऐसे आप करते रहिए। और डिमांड पूरा यूपी बिहार का, सभी लोग का, पूरा इंडिया का डिमांड है कि नीलकमल सिंह के आवाज़ में कुशवाहा सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा है, कि हमारे नीलकमल सिंह जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस चैनल से हमारे चैनल को देखा गया है, तो बहुत बहुत खुशी हुई कि हमारे नीलकमल सिंह तक आप लोगों की वजह से हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है। तो आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहे और सभी तक पहुंचाते रहे ताकि और भी बड़े बड़े लेवल तक वीडियो जाए और सभी लोग अपने बारे में अपने समाज के बारे में सोचें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई जितने भी अभी वीडियो देख रहे हैं कि नीलकमल सिंह ऑफिशियल तक हमारी वीडियो पहुँच खुद देखे हैं आके, ये हमारे अपने चैनल को बताता है क्रोम ब्राउज़र में कि आपका वीडियो को कौन कौन बड़े चैनल से देखा गया है। तो हमको बहुत खुशी हुआ कि हमारे नीलकमल सिंह हमारे वीडियो को देखे, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद, और मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी बाय।